ना इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में मीट बैन पर संग्राम, राजस्थान में बकरीद की छुट्टी गोल करने पर बवाल, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी और सोनिया गांधी के बीच छिड़ी जुबानी जंग देखिए। भोपाल में पीएम मोदी ने हवाबाज कहे का जवाब हवालेबाज कहकर दिया। That most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than hawabazi. एक के बाद एक संसद में जो मिले हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है, उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पंचक मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। देश के 125 करोड़ लोग निर्णय करें कि दगाबाज कौन है, जिन्होंने चुनाव से पहले 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में काला धन जमा करवाने का हवाबाजी वायदा किया और सत्ता में आने के बाद उसको जुमला कहकर हवा में उड़ाकर दगाबाजी की। इधर कांग्रेस ने पीएम के पलटवार का जवाब दिया तो उधर उड़ीसा में कांग्रेस को मजबूत करने पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम के एक और बयान की याद दिलाते हुए उन पर निशाना साधा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने दे रहे हैं सबको, खाने दे रहे हैं, मगर किसान को, आदिवासी को, गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा, ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला बोला था, कहा था राजीव गांधी बीजेपी की दो सीटों का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस ने इस पर भी नसीहत दे दी। कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ दो, अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए, और सबके प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे, दो या तीन बस, दो या तीन बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। अरे संजय भाई, एक जमाना था जो दल 400 से अधिक सीटें लेकर के बैठा था वो दल आज 40 में सिमट गया। अब उनको प्रधानमंत्री के स्तर पर आ जाना चाहिए। अब राजीव जी के बारे में कह देना कुछ या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेमोरियल को छू देना तो ये बातें पुराने इतिहास को क्यों करा, अपना इतिहास बनाए ना। पीएम मोदी कांग्रेस पर इस वजह से हमलावर थे क्योंकि वो जीएसटी बिल पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का रुख देखकर सरकार ने फैसला टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी सोनिया की जुबानी जंग अभी थमी नहीं है। रायबरेली में सोनिया गांधी ने पीएम से पूछ लिया है कि उन्हें अपने नेताओं के मामलों पर क्या कहना है। राजस्थान के